प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद, आप सभी को सत सत नमन। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पश्चिमी घाट के मैदान और पूर्वी घाट के मैदान में अंतर क्या है। कभी कभी इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोगों को यह जानना क्या आवश्यक हो जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर क्या है। तो अगर हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मैदान को अगर बनाएं, क्या स्पेशली हमें क्या देखना है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मैदान में अंतर, ठीक है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है, ये वीडियो बन चुका है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये है, आप कह सकते हैं पश्चिमी घाट मैदान और ये है पूर्वी घाट मैदान, ठीक है। तो इसको हम मैं कह सकता हूं पूर्वी घाट मैदान और इसको हम पश्चिमी भाग कह दें, क्या पश्चिमी घाट मैदान। चलो तो अंतर देख लेते हैं। पश्चिमी घाट को आप देखिए, अगर चित्र में देखेंगे तो कुछ आपको अंतर इसमें क्या चित्र में ही दिख रहा होगा। जैसे देखिए, ये जो है पूर्वी घाट, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा आपको लगेगा, क्या इसका चौड़ाई जो है कुछ ज्यादा बड़ा होगा। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट कम चौड़ा है, क्या पश्चिमी घाट कम चौड़ा। पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, पूर्वी घाट कम चौड़ा है नहीं, ये क्या है अधिक चौड़ा का मतलब यहां पश्चिमी घाट के संदर्भ में है, ये ध्यान रखना। उसी पॉइंट में क्या देखना है, ये आप पश्चिमी घाट देखिए और पूर्वी घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट पर अपरदन से जो प्राप्त क्या होते हैं, मलवा होते हैं, उनमें स्पष्ट अंतर आता है। यानी तो जो अपरदन से प्राप्त मलवा होगा वो कहां, मैदान में ही होगा। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि मैदान में जो निक्षेप है, निक्षेपों का कण यहां पर बड़ा है। यहां पर आप देखेंगे तो निक्षेप जो है वो क्या है, महीन कण है, उसमें निक्षेप में महीन कण है, क्या निक्षेप में महीन कण है। एक आप ये सामान्य सा अंतर आप ये बता सकते हैं। और ये जो मैदान है, तो इस मैदान को मैंने यहां बताया पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के सहारे ही मैदान का निर्माण हुआ है। तो मैदान में आप देखेंगे ना ढाल जो उस सामान्यता क्या अधिक है। तो यहां क्या कह सकते हैं कि इसमें ढाल क्या है, ढाल सामान्यता किसकी तुलना में अधिक है, क्या अधिक है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो ढाल क्या है, इसकी तुलना में कम है, कम लिख दीजिए आप। अब अगला पॉइंट देखते हैं, तीन पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है, आप यहां पर इस समुद्र तट जो है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोनों जगह पर आपको बीच मिल सकते हैं, क्या बीच मिल सकते हैं, बीच का मतलब समझ रहे हैं, समुद्र का जो किनारा होता है, समुद्र का किनारा और वहां पर कम पानी हो जिससे मस्ती आप कर सके, तो बीच मिलेगा। अब ये जो बीच है, बीच में क्या अंतर है,
ये भी आप बता सकते हैं क्या, बीच में क्या अंतर है ये भी बता सकते हैं। यहाँ का बीच क्या, यहाँ का जो बीच है वो कह सकते हैं थोड़ा क्या है, बलुआ पत्थर से निर्मित है। क्या जो बीच है वो क्या है, बलुआ पत्थर, या कह सकते हैं आप पत्थर नुमा है। क्या पत्थर नुमा है बीच, क्या है पत्थर नुमा आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी जो रॉक है बीच पर वो बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड है। यहां पर अगर आप बीच देखते हैं, बीच का मतलब ये वो वाला बीच नहीं है, मध्य वाला समझ लीजिए, यहां बीच को देखते हैं तो ये क्या है, थोड़ा कह सकते हैं ज्यादा हार्ड नहीं है, आप कह सकते हैं बालू नुमा आप कह सकते हैं, क्या बालू नुमा, ठीक है। अब आपको अगर मौका मिले बीच पर जाने का तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे, आप लोग बताइए, अनन्या पांडे के साथ कि कैटरीना कैफ के साथ कि प्रियंका चोपड़ा के साथ, किसके साथ जाना चाहेंगे इस समय? तो अगर पूछो किसी से भी किसके साथ जाना चाहोगे, तो इन तीनों में अगर पूछा जाए तो आप तो बताएंगे कि अनन्या पांडे के साथ जाएंगे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। चलो बाय द वे, बीच नुमा ये हो गया, बालू नुमा ये हो गया, पत्थर नुमा। अब अगला, यहां पर आपको इस मैदान के सहारे आपको यश्चुरीज मिलेगा। क्या यश्चुरीज, क्या यश्चुरी, यहां पर आप देखेंगे इस मैदान के सहारे तो यश्चुरी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा इस मैदान के सामने आपको मिलेगा क्या, डेल्टा, क्या डेल्टा मिलेगा। और क्या अंतर हो सकता है, ये आप इस सेंटेंस को बना लीजिएगा कि पूर्वी घाट मैदान के सहारे कौन सा स्थल रूप मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, जबकि पश्चिमी घाट मैदान के सहारे यश्चुरी प्रकार का स्थल रूप मिलेगा, ठीक है। अब और क्या अंतर हम देख सकते हैं, अंतर आप बना सकते हैं, जितने ये हैं इनको आप क्या छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लीजिए तो अंतर बन जाएगा। जैसे आप बोलिए कि इसका स्थलारूप कैसा है, अंतर हो गया, वर्षा कितना होता है, अंतर हो गया, मृदा कैसी है, अंतर हो गया, और यहाँ पर कृषि कैसे होती है, अंतर हो गया, यहाँ पर उद्योग कैसे हैं, तो सभी को आप अलग अलग दृष्टिकोण से सोचेंगे तो अंतर आपके सामने बहुत आ जाएंगे। तो कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ आपको सोचना है, बैठ कर दिमाग लगाना है, जितने विषय हैं उन सभी विषयों को क्या करो, इंटररिलेट करो। ज्योग्राफी में जितने भी क्या हैं और कह सकते हैं शाखा है, सबको आप क्या करें, सबको आप इंटररिलेट करें, बहुत सारा क्या मिल जाएगा आपको, अंतर मिल जाएगा। अब अगला देखते हैं, अब यहाँ पर वर्षा को अगर हम लें, क्या वर्षा को, तो ये जो क्षेत्र है, ये मैदान जो है, क्या पश्चिमी घाट तो मैदान है, वो अधिकांशतः वर्षा किसे प्राप्त करता है, समर मानसून से, क्या समर मानसून से, या हम कह सकते हैं ग्रीष्म, ग्रीष्म मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून। इधर अगर देखें तो इधर आपको ग्रीष्म में भी मिलेगा, क्या ग्रीष्म में भी और शीत में भी, क्या शीत में भी मिलेगा। आप ये भाग देखिए, यहां पर शीतकाल में वर्षा होती है तमिलनाडु क्षेत्र में, क्या तमिलनाडु का क्षेत्र है तो वहां पर वर्षा होती है, और पश्चिमी विक्षोभ से भी कुछ वर्षा होती है, तो इसको आप कह सकते हैं दोनों समर मानसून और विंटर मानसून दोनों से क्या वर्षा होती है। अगला अंतर हम लोग देखते हैं, हमने मानसून देख लिया, अब क्या देखें, आप दोनों क्षेत्र पर देखें कि वर्षा तो किसे होती है, आपने मानसून से बता दिया, क्या मानसून से बता दिया। अब
मानसून के संदर्भ में एक शब्द आता है चक्रवात करके, क्या चक्रवात, क्या चक्रवात, चक्रवात क्या होता है? चक्रवात आप कह सकते हैं एक निम्न दाब के केंद्र होते हैं, क्या निम्न दाब के केंद्र होते हैं, ठीक है। जैसे ये निम्न दाब हो गया और ऐसे एक चारों तरफ केंद्र है, तो निम्न दाब के केंद्र किसके, हवाओं के सकेंद्री परतों के, ठीक है। हवाओं का सकेंद्री परत है और निम्न दाब का बीच में केंद्र है। आप केवल ये समझिए कि चक्रवात यहाँ पर, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़िए, आप ये समझिए कि चक्रवात एक प्रकार का वर्षा करने वाला कारक है, ठीक है। चक्रवात जब पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे चक्रवात कम आते हैं, क्या चक्रवात क्या है, कम आते हैं। और यहाँ पर तो चक्रवात परेशान कर देता है, बहुत आता है चक्रवात, चक्रवात अधिक परेशान कर देता है, चक्रवात अधिक आता है। आप इसको सेंटेंस को बना लीजिएगा। और क्या अंतर हो सकता है, चक्रवात बहुत अधिक हो गया। अब यहां पर आप देखिए कि मिट्टी भी किस प्रकार की पाई जाती है, क्या मिट्टी भी किस प्रकार की पाई जाती है। आप यहां देखेंगे तो क्या पाई जाएगी, लेटराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। अगर आप यहां देखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, लेटराइट प्रकार की मिट्टी मिलेगी। कहां पर, यहां पर लेटराइट, मिट्टी यहां पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जलोढ़ प्रकार की ज्यादा मिट्टी मिलेगी, क्या जलोढ़ प्रकार की, यह भी अंतर हो गया आप। और क्या देखें, अब मिट्टी देख लिया तो कृषि भी देख लीजिए, क्या कृषि, तो यहां पर आप देखिए नारियल का उत्पादन होगा ज्यादा, क्या नारियल हो गया, सुपारी हो गया, इन सबका उत्पादन ज्यादा होता है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे तो किसका उत्पादन होगा, यहाँ पर तो अधिकांशतः धान का उत्पादन होता है, क्या धान का उत्पादन होता है। तो ये सब क्या है, अंतर ही तो है। अब देखिए एक और देख लीजिए, मैंग्रोव वनस्पति, क्या मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति। अब यहां पर देखेंगे माइग्रोव वनस्पति क्या है, कम है इस क्षेत्र में। यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, माइग्रोव वनस्पति क्या है, अधिक है, क्या माइग्रोव वनस्पति क्या है, माइग्रोव अधिक। आप लोग सेंटेंस बना लीजिएगा, मैंग्रोव वनस्पति अधिक पाया जाता है, कोई भी घाट मैदान पर मैंग्रोव वनस्पति अधिक पाया जाता है, जबकि यहां पर पाया इधर भी जाता है लेकिन कम पाया जाता है, क्या कम पाया जाता है, आपको ये स्पष्ट करना है। और एक शब्द और है जो हो सकता है पी के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाए। इधर पर ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर बालू पत्थर का निक्षेप पाया जाता है, क्या बालू का स्तूप कह लीजिए, बालू का स्तूप, बालू पत्थर का निक्षेप मत कहिए, बालू का स्तूप, वो बालू पत्थर का निक्षेप ही होता है लेकिन आपको बालू का स्तूप बोला जाता है, बालू का स्तूप, क्या बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब वो तो सामान्य सी बालू का स्तूप किससे बनेंगे, निक्षेप से ही बनेंगे। तो इस बालू का स्तूप को बोलते हैं टेरिस, क्या बालू का स्तूप को क्या बोलते हैं, टेरिस, ये आप ध्यान रखना है, क्या TERIS, कि टेरिस कहाँ पाया जाता है, क्या है बालू का स्तूप है, फरेर का पश्चिमी घाट पे पाया जाता है। अब यहां भी पाया जाएगा, क्या यहाँ भी बालू का स्तूप पाया जाएगा ना, बालू ज्यादा इधर ही पाया जाता है मैंने बताया, तो इधर भी पाया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इधर का जो बालू का स्तूप होगा उसको बोलेंगे थेरिस, क्या थेरिस, TERIS, ठीक है। तो ये इतने अंतर मैंने आपको बताए। अब ऐसे आप बहुत सारे अंतर बना सकते हैं, क्या बहुत सारे अंतर बना सकते हैं, जितना जियोग्राफी के जितने, क्या जितने विभाग हैं सब विभाग को आप यहाँ पर इंटर रिलेट करेंगे तो बहुत सारा अंतर क्या बन जाएगा, ठीक है। सो इतना ही अगर आप
दिमाग में रखते हैं तो आपका 150 नंबर 150 शब्द आसानी से हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन।